इलेवेंथ ट्वेल्थ में इतना ज्यादा मैं सीरियस थी नहीं जेई के बारे में, लेकिन उस टाइम पे बस ऐसे ही कर रहे थे जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, बस वैसा ही, कुछ खास पढ़ाई नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ ना, तभी मतलब जेई मेन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो तभी ऐसा फील हुआ कि शायद अभी भी मौका है कि हम कुछ कर सकते हैं। अभी बर्बाद कर लिए भले ही इलेवेंथ, पर ठीक है अभी कुछ कर सकते हैं। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ ना, तब मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद मैंने दिया, मेरा क्वालिफाई हो गया, एडवांस भी दिया, एडवांस भी क्वालिफाई हो गया, पर कुछ कॉलेज नहीं मिला। तो फिर तभी फील हुआ कि अगर मैं ड्रॉप लेती हूँ तो शायद आईआईटी भी निकाल लूँ। तो फिर तभी मतलब ऐसे कुछ पेरेंट्स ने फोर्स नहीं किया, उन्होंने तो बोला कि एमएचटी सीईटी भी मिल रहा था, तो उन्होंने बोला ले लो, पर मेरे को खुद से ही ड्रॉप लेना था, तो तभी ड्रॉप लिया। फिर ड्रॉप लिया और मैं सर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, एकदम 16-17 घंटे किया एवरी डे अच्छे से। और फिर नवंबर में मेरे को कोविड हो गया, पर तभी भी मैं कर रही थी पढ़ाई, तभी अच्छा चल रहा था। फिर मई में हाँ, फिर जब मेरा फर्स्ट एग्जाम था ना जेई मेंस का फर्स्ट वाला, तब मेरे को 15% आए, पर जो मेरा ट्वेल्थ वाला एग्जाम था ना जेई मेंस का, उसमें मेरे को ज्यादा आया था, मेरे को 70% आया था। तो वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि मैंने इतना सारा पढ़ाई किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ। तो फिर उस टाइम पे बहुत ही कंफ्यूजिंग जैसा था, और फिर मैंने वापस से भी मैंने सोचा कि ठीक है अभी और 3 अटेम्प्ट है इस बार, तो हम कर सकते हैं। तो मैंने किया, अपना प्रिपरेशन चालू रखा, फिर वापस जेई पोस्टपोन्ड हो गया। तो तभी मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ चल और एक मौका है, तो मैंने वापस किया। फिर मई में मेरे पापा का डेथ हो गया, तो फिर तभी मेरे को लगा अभी कुछ नहीं होगा, अभी मतलब सब खत्म हो गया है। तो फिर तभी मतलब ऐसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि मतलब आईआईटी जैसे वो मेरा नहीं, मैं अपने लिए नहीं कर रही थी, मैं उनके लिए ही कर रही थी। और हमेशा से मतलब मैं काफी एक ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बैठते हैं जब मैं पढ़ती हूँ, तब वो मेरे को टाइम टेबल बना के देते हैं, वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं मेरे पढ़ाई की तरफ, और एकदम कांस्टेंट अटेंशन और वो सब की एकदम मतलब अच्छा फैसिलिटीज और ये सब मेरे को मिला। और मेरे डैड खुद भी एक इंजीनियर है, तो फिर उनको वो था कि मैं आईआईटी से करूँ, तो वो मतलब मेरे से अगर उनका छुट्टी है तो पूरे 16 घंटे मेरे साइड में बैठेंगे, वो ही मेरे डाउट सॉल्व करते थे फिजिक्स के, और मेरे सर से बात करते थे, वो एवरी डे मेरा टाइम टेबल बनाते थे कि आज मैं क्या पढ़ूंगी, कल क्या पढ़ूंगी, वो मेरे को टेस्ट पेपर बना के देते थे, टेस्ट एनालाइज करते थे। तो उसी की वजह से मेरा हो रहा था ड्रॉप ईयर। और फिर जब उनका डेथ हो गया, तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी आर्ट्स ग्रेजुएट है, तो उनको इंजीनियरिंग वो हेल्प नहीं कर पाती है, वो मतलब अपना सपोर्ट तो मम्मी भी बहुत ज्यादा करती है, पर पापा जो कर रहे थे ना, तो वो कोई नहीं कर पा रहा था। तभी मेरे को लगा कि नहीं होगा मुझसे, और फिर सब लोग ऐसे आके बोल रहे थे कि अभी तुम बीए कर लो, या फिर अभी तुम जो हो रहा है वो मतलब जो हो पाएगा तुमसे उतना ही कर लो। अभी थोड़े लोगों ने मम्मी को बोला कि इसको भी ट्वेल्थ हो गया है तो बोल दो कि जॉब करने के लिए, अभी इसको बोला अपना आईआईटी का भूत छोड़ दे। तभी ज्यादा बुरा लगा ना, कि तभी लगा कि अभी तो मेरे को और ज्यादा करने का मन हुआ, कि अभी तो मतलब मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग को ऐसे कोई राइट नहीं है कि मेरे को ऐसा बोले। तो तभी फिर मैंने और बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और फिर तब मैंने खुद से, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि देखो बहुत स्पून फीडिंग के वजह से ना, मेरे को खुद का टाइम टेबल बनाना, मेरे को आज क्या पढ़ना है, अपना सब स्केड्यूल करना, वो मैंने खुद सीखा और फिर खुद किया धीरे धीरे, और सबका हेल्प लिया, और फिर इवेंचुअली हो गया।